कहे के हम हरा घेटाला से आ निकाले तेही रे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। दानापुर अनुमंडल अंतर्गत बेटा थाना के मुसेपुर गांव में एक हत्या का मामला सामने आया है। ये हत्या हुई है रामप्रसाद सिंह की, जो पिछले रात को 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि रामप्रसाद सिंह अपने घर में सोए हुए थे और कुछ चोर उनके घर में आए, चोरी का मनसा था उनका, और उसी दौरान वो हत्या कर कर चले गए। उसके बाद चोरी की गई कुछ वस्तुएं घर के बाहर मिली। इस पूरे मामले पर उनके परिजन और उनकी पत्नी ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। मन पेशाब करवा निकल गए, घर में जाके चौकी पर बैठ गए, तो वह पीठे पर ढुक गया। तो हम कहे कि तो पवन के बाबूजी हा, तो कही था कि बुढ़ी बोल रहे हैं मार देवेंगे गोली, बस एक गोल एक वही मार दे, मार के हाथवा धो के चौकिया पर सुता देवा। हाँ सुता देवा, आ टुक टुक बाबू तक थेवा आ सनुक तुरक तुर के सारी कपड़ा रत्ता गहना गुड़िया लेके चल देवा। आ फिर जल्दी विपन कर फिर हम मरदाना भी जी अला। आ खूब हम ची कर घटना की जानकारी आपको कल 4 बजे सुबह में। हाँ कुछ न देखली, हमारा घर में रोते हल थे न, तो कहली कि न कि दरवाजा बंद करके कहला रोई था, तो कहला थे न कि हमारा ही चोर है ढुक के सब ले गए, तो कहकर बाहर निकला तो कि बाहर कैसे निकली जिंजरी लगावल है, तब घर ढुक ली तब यू सबके बोला हटा होले, सबले पहले हम ही ढुक ली है जिंजरी खोल ली तो निकल ला थे, और बाद वो घर में ढुक ली तो जान मारल हथिन। हमने के सोच ली कैसे गश्ती लगल है, तो डॉक्टर बोला वाला भेज दिल नहीं गए तो बच्चा जब छोड़ दिए, जब 4 बजे भोर में कोचिंग जाता लेकर तो जब बच्चा के छोड़ कर ये घर से आवाज़ हम लोग के मिला रोते के, तब तो चाची पूछी कि का होल, तो बोलतीन कि मुनिया के मैया से हमर घर में चोरी हो गलक है, चोरी करके चल गलक। तो चाची जब बोलतीन कि घर से निकल बाहर निकला चोर जब चोरा के चल गल, तो कि कैसे हम निकली बाहर से झिंझिरी चढ़ावल है, तो फिर चाची बोलतीन हमरा कि तू जा उनकर पुतो के बोला दूँ पट्टी से, हम ही पट्टी झिंझिरी खोले जाए थे, बस इतने हम लोग को पता है सर। तो पता कब चला कि हत्या हुई है? हत्या वो बोले हम चाची से हम लोग पूछे कि चाची कखनी अथी होल, तो कि 1 बजे 12 1 बजे था। अभी आपने सुना उनकी पत्नी, मृतक की पत्नी को और उनके परिजनों को। मृतक की पत्नी ने बताया कि दोनों लोग रात में साथ में थे और उसके बाद कुछ चोर आए जिन्होंने मृतक की पत्नी के हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद वो हत्या कर कर चले गए। जब इस मामले पर हम लोगों ने बेहटा थाना अध्यक्ष अतुलेश कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि चोरी करने लोग आए हुए थे और उसी दौरान कुछ बात बिगड़ी होगी या जान पहचान की बात आई होगी या लोग पहचान गए होंगे, जो भी कारण रहा होगा उस कारण में हत्या हो गई है। फिर भी सभी बिंदुओं पर जांच करने की आवश्यकता है, सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस खबर से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी तो उसके लिए बने रहिए मीडिया दर्शन पर। धन्यवाद।